जानता है भाई लोग। हाँ भाई जानते हैं। अबे सुन तो ले पहले। देखो जो शादी के बाद सबसे पहले बीबी पति का शराब छोड़वाती है। अच्छा भाई। उसके बाद बियर छोड़वाती है। अच्छा भाई। उसके बाद सिगरेट छोड़वाती है। अच्छा भाई। उसके बाद दोस्त बदलवाती है। अच्छा भाई। उसके बाद 7-8 साल के बाद बोलती है क्या पहले जैसा नहीं रहे। मालिक मालिक कुछ पैसे दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ मालिक। यार भाई खुल लेनी है, कल ले लेना। अरे नहीं मालिक, हमारे धंधे में उधारी नहीं चलती। सुनो, अरे सुनो, हे भगवान, ये आदमी जब भी कान में लीड लगा लेता है ना, बहरा ही हो जाता है। जी तो करता है मार मार के भुरता बना दूं। वो मैं कह रही थी आज आपके लिए बैंगन का भुरता बना दूं। तेरे भुरते की तो ये टिफिन तो मुद्दा सर का है भाई। यार बोलना मत यार, बहुत भूख लग रही थी। प्लीज यार भाई बोलना मत यार प्लीज। अरे मेरा खाना किसने खाया इसमें से? मैंने नहीं खाया। अरे किसने खाया? वो एक कुत्ता खा के चला गया। हैप्पी बर्थडे माय लव। ये नहीं, मुझे कोई सोने की चीज दो ना। ये ले तकिया और सो जा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यार बेबी देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि दुख हमारा साथी है और सुख आता जाता रहता है। देखो जो दुख है वो है पत्नी, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जो दूसरा है वो सुख, वो आती जाती रहेगी। भाई साहब स्टेशन जाओगे? हाँ मैडम, यहाँ से 2 किलोमीटर है, 20 रुपए लूंगा। अरे यही तो है स्टेशन। अरे मैडम मैडम हाथ नीचे करो, ट्रेन आ जाएगी। बाबा जी मेरी मदद करो, मेरा पति मुझे रोज घर आकर मारता पीटता है। जय भोलेनाथ, ये लो बेटा ताबीज, और जब भी पति घर पे आए इसको अपने दांतों के बीच में दबा लेना। 7 दिन बाद। धन्य हो बाबा जी, आपके ताबीज का बड़ा असर हुआ, अब वो मुझे मारते पीटते नहीं है। वैसे उस ताबीज में ऐसा क्या था बाबा जी? ताबीज में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फायदा ताबीज से नहीं जुबान बंद रखने से हुआ है, इसलिए जुबान बंद रखा कर। कल कहाँ रह गया था तू? बंदी से मिलने गया था। तुझे पता है ना हमें लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वैसे उसकी फ्रेंड भी थी, वो तेरे बारे में पूछ रही थी। नंबर दिया तूने मेरा। तुझे पता है हमें लड़कियों से दूर रहना चाहिए। हे भगवान, मेरी शादी करवा दे, मेरे सारे दोस्तों की हो गई है, बस मैं ही बचा हूँ। ले 1 रुपए चढ़ा रहा हूँ भाई। लव मैरिज करेगा क्या अरेंज मैरिज? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। तो फिर 1 रुपया और चढ़ा ही दे तू, तलाक के लिए फिर आएगा। ओ भाई साहब, घर में ना ये सब नहीं चलता। भाई हम शादीशुदा हैं। तो घर पे जाके करो ना ये सब। घर पे इसका पति नहीं मानेगा ना। मंदिर जा रही हूँ, चल रहे हो साथ? नहीं तुम ही जाओ, हमारा वहाँ कुछ नहीं है। मतलब? मतलब मंदिर में सब कुछ तो स्त्रियों के नाम पर होता है, जैसे आरती, वंदना, साधना, पूजा, ज्योति, अर्चना, पुष्पांजलि, और पुरुष के नाम पर क्या होता है? केवल घंटा, और उस बेचारे को कोई भी बजाकर चला जाता है। एक बार पति पत्नी की जोरदार लड़ाई हुई, पति ने तंग आकर अपनी सास को फोन किया। सुनिए सासू जी, आपका ये प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, मैं इसे लौटा कर आपसे बदलने की डिमांड करता हूँ। सुनिए दामाद जी,
आपके प्रोडक्ट की वारंटी खत्म हो चुकी है। रिफंड या एक्सचेंज की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़कर दिन में 2 दफा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। नो 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 भाई तुझे जादू दिखाऊं? दिखा भाई। देख दोनों पैर हवा में आ जाएंगे, देख। ओह नो। अरे क्या बात कर रहा भाई साला। चोर चोर चोर। ए ज्यादा आवाज मत निकाल वरना इसकी मुंडी तोड़ दूंगा। चल जल्दी सारा कीमती सामान अब एक बैग में डाल के दे। आपको जो ले जाने ले जाओ, पहले इनको छोड़ दो। ये पड़ोसन के पति है, मेरे पति आते ही होंगे। मेरी बीवी मेरी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं करती, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपनी बीवी की बहन से बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया की सभी औरतें ना चुड़ैल होती है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं चुड़ैल हूँ? अरे नहीं बेबी, तुम तो रानी हो। सो स्वीट। उन चुड़ैलों की। वो देखो तुम्हारे रिश्तेदार। अरे ससुर जी कैसे? ससुर जी पहला दू कहा? पहला दू पहला दू ससुर जी सासु माता है। ससुर जी ब्लॉक पाला मेरी का। अरे बेबी कैसी हो? एकदम मस्त। वो कौन है रे? वो हमारे भाई है। अरे मटरा इधर आ। तुम्हारी भाभी कैसी है? कल तो दिखाए थे उससे बढ़िया। हेलो। हाँ यही बस बैठा हूँ, अब बात कर लूँ। ये लो आपकी मम्मी। हेलो। अरे हाँ एक अक्सर उन्हें सुना यार, दिल दिया जिसे वो दिल्ली चली गई। वाह 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 वाह। दिल दिया जिसे वो दिल्ली चली गई, दिल्ली गया तो इटली चली गई। वाह 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 वाह। सोचा कि बिजली का तार पकड़ के जान दे दूं। वाह 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 वाह। सोचा कि बिजली का तार पकड़ के जान दे दूं, जैसे ही तार पकड़ा बिजली चली गई। पापा मैं 12th में पास हो गया। अरे वाह। पापा अब मैं डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की वैक्सीन बनाऊंगा। बेटा भगवान से डर। क्यों पापा? जिस कोरोना की वजह से तू 12th में बिना एग्जाम दिए पास हुआ है, उसी के खिलाफ षड्यंत्र। भाई यार एक बात बता। हाँ भाई बोल। ये भाड़ कहाँ पे पड़ता है? कौन सा भाड़ भाई, क्या बात हो गई, क्या हुआ? यार अभी मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला भाड़ में जा।